सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है तारीख 26 मार्च और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30-8 के लगभग। और मैं आ गई हूँ और अब मैं चाय बनाऊँगी पापा के लिए। पापा एक्चुअली ब्रश कर रहे हैं जब तक मैं चाय रख देती हूँ उनकी। तो चलिए चाय बनाते हैं और आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी सुबह सुबह का टाइम था तो ये गेट खुला नहीं था, पीछे वाला ताला वगैरह लगा था। और आप लोग देख सकते हो बाहर का चिड़ियों का क्या मस्त मस्त व्यू आ रहा है। मतलब चिड़िया का बोलना बहुत प्यारा लगता है सुबह सुबह, तो आप लोग सुनना। इसलिए मैंने म्यूज़िक नहीं डाल रखी है वीडियो में। सो गाइस, इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, फिर अपने काम में लग जाती हूँ मैं। यहाँ पर एक्चुअली कल रात का कुकर वगैरह रखा था चावल वाला, तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी धुलने रख दूँ क्या। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले तो पापा के लिए चाय अभी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि तो पापा अभी ब्रश कर रहे थे। तो मैंने ये अपने लिए गर्म पानी रख देती हूँ जब तक माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए। गर्म हो जाएगा मैं पी लूँगी। सुबह सुबह पानी पीती हूँ गर्म, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पीती हूँ, क्योंकि मैं अपने वेट से बहुत परेशान हूँ। तो इसलिए मैं कुछ तो कुछ करती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करती हूँ, करती रहती हूँ। जितना कम से कम है उतना ही रहे, कम से कम बढ़े तो नहीं। तो बस यहाँ पर ये मैं सब्ज़ी भी निकाल रही थी, क्या सब्ज़ी बनाना है इसलिए। सो गाइस, मैं सब्ज़ी ही देख रही थी फ्रिज में। एक्चुअली सब्ज़ी थी नहीं, कुछ एक दो ही सब्ज़ी थी, वो रात में मतलब एक दो दिन पहले बन चुकी थी। तो ना वही वही सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो बैंगन रखा हुआ है तो बैंगन की ही बना लेती हूँ। तो फिर ये बैंगन निकाला, साथ में मैंने पानी ही रख दिया था अपना गर्म होने के लिए माइक्रोवेव में। पानी भी गर्म हो चुका है और बस मैं अपने फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और चने की दाल बनना है आज, तो इसको ही फुला कर रख दिया है ताकि तब तक फूल जाए। लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि फुला कर रख दो तो अच्छे से फूल जाएगी, उसके बाद फिर अच्छे से पक जाएगी। और ये लौकी भी निकाल ली थी मैंने, फ्रिज में रखी थी, इसका रायता बनाऊंगी लौकी का। तो आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी अभी। और क्या बोलते हैं, पापा के लिए चाय भी चढ़ा दी जब तक पापा आ गए थे। तो चाय मतलब अभी कर ही रहे थे ब्रश, तो जब तक ये मेरी चाय बन जाएगी, शुगर फ्री की चाय पीते हैं पापा। तो बस ये दो मैंने शुगर फ्री डाल दी है और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी है, और अदरक वाली चाय नहीं पीते हैं पापा। तो बस उनकी चाय बन रही है, साथ में और काम करती जा रही हूँ मैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लौकी रखी हुई थी, तो लौकी को जल्दी से छील कर इसको किस लूँगी, इसका अंदर का गूदा निकाल कर, क्योंकि आज मुझे रायता बनाना है लौकी का। मम्मी बोल रही थी लौकी का रायता बना लो, बूंदी का रायता बनता रहता है, बट वही वही खा के ना, एक एक चीज़ खा खा के ना इंसान बोर हो जाता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा, मम्मी ने बोला कि लौकी का बना लो, कुछ अलग हो जाएगा। और ये सब्ज़ी का छिलका वगैरह हम लोग नीचे रखते हैं, तो उसे भी वहाँ पर रख दिया है। और बस ये चाय भी रख दी थी पकने के लिए, तो ये धीरे धीरे पक रही थी चाय में, तो ये दूध डाल दिया मैंने। और मेरा पानी भी रखा हुआ था, गर्म हो गया था ज़्यादा कुछ, तो इसलिए मैं सिप सिप करके पी रही थी। एक्चुअली आप लोग बोलोगे बैठ के पीना चाहिए पानी, बट यार सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं तो लगता है यहीं पे करते जाओ, यहीं पे पानी वगैरह जो भी है साथ में करते जाओ। तो ये मैं पापा के लिए मलाई निकाल रही थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया पापा जी हैं जो मलाई लेते हैं चाय के साथ। दूध निकालने गई थी फ्रिज से, एक्चुअली दूध तो रखा था बाहर, बट वो ना दूध जो आ रहा है गाय का दूध है, तो गाय का दूध बहुत पतला पतला सा लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर दूसरा वाला दूध निकाला, थोड़ा सा फिर और डाला चाय में। बस सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, आलू निकाल कर ले आ रही हूँ वहाँ से, और बस बैंगन पहले ही निकाल लिया था, काट लेते हो बैंगन वगैरह। और जब तक मेरी चाय भी पक रही है धीरे धीरे से, तो यार बैगन जो थे वो बड़े वाले थे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा बीज थे। यहाँ पर बैगन में जो बीज होते हैं वो बीज पसंद नहीं है खाने में इन लोग को, तो बस मैं उसका जो बीज था उसको अलग साइड की अलग कर दी, निकाल दी, और थोड़ा थोड़ा सा जो भी बचा मैं ऐसे काट कर रख लेती, क्योंकि और कुछ सब्ज़ी भी नहीं थी घर पर, तो जो भी था तो मैंने बना लिया।
तो बस ये पापा की चाय भी हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे जब से चाय बन रही है, मैंने ये वीडियो जो लिया है उसी उसी टाइम का ही है, तो इसलिए वो चाय भी पकती रही है धीरे धीरे, क्योंकि पापा को ना थोड़ा टाइम लगता है ब्रश करने में, तो वो मैंने बंद कर दी थी बीच में जब पापा आ गए थे, फिर गर्म करके दे दी थी। तो ये चाय हो गई है और दे देती हूँ पापा। और इसके बाद मैं इनको उठाने गई थी, एक्चुअली मम्मी बनाई थी चाय इनके लिए, तो रखी थी आधे घंटे पहले की चाय, तो चाय ठंडी हो रही थी, ढककर रख दिए थे, तो उनको उठाने गई थी, उठा दिया है मैंने, लेकिन अभी उठे नहीं हैं, जब आएंगे तो फिर ले लेंगे चाय। और ये देखो बैंगन भी काट लिया है, लौकी भी अब किस कर रख लेती हूँ, और ये प्याज है बैंगन में डालने के लिए, तो पहले तो प्याज काट कर रख लेती हूँ, फिर मुझे सब्जी बघारूँगी। और आज लौकी का रायता मैंने जैसे कि बताया आप लोग को, बढ़िया मस्त लगता है, लौकी को पका कर बनाएंगे रायता। सो गई, सबसे पहले तो ये सब्जी का छौंक लगा लेती हूँ, जब तक ये सब्जी पकेगी मैं आगे की काम जल्दी जल्दी से कर लूँगी। सो मैंने छौंक लगा दिया था और सब्जी को ढककर पका लिया है, सब्जी पक गई थी, उसके बाद एक टमाटर डाल दिया है इसमें, क्योंकि बैगन में टमाटर डाल दो तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है ना, तो बस इसको ढककर इसको ही पका लेते टमाटर गलने तक, तो इसे वापस से ढक दूंगी और 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, तब तक हल्की सी और भुन जाएगी सब्जी, फिर जब तक ये लौकी का रायता मैं तैयार कर लेती हूँ। करिए माइक्रोवेव में चाय गरम, आधे घंटे से। तो अभी उठकर आए हैं हमारे स्वामी जी और ये अपनी चाय गरम कर रहे हैं माइक्रोवेव में और पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैं वीडियो ले रही थी, तो बस ये चाय गरम कर रहे हैं अपनी और साथ में एक चाय और रख दी है मैंने पकने के लिए, ये जो हमारे यहाँ काम में आती है दीदी बर्तन धुलने उनके लिए बना रही थी, और पक गई है चाय उनको भी दे दी है मैंने। और इसके बाद ये जो लौकी जो मैंने किस कर रखी थी इसको जैसे कि आप लोगों को बताया कुकर पे एक सीटी ले लूँगी, सीटी होने के बाद ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस से इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल के रायता बनाएंगे। और सब्जी भी पक गई है उसे भी निकाल लिया है। और ये देखो ये दीदी जो है बर्तन मांज रही थी चाय पीकर, मैंने बोला पहले चाय पी लो फिर अपना आप काम करना। तो ये दही ले रही हूँ मैं, रायता बना रही हूँ ना लौकी का, तो ये दही ले लिया मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मथानी से मत लेंगे, अच्छा सा पतला कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसको मैं मत रही थी पानी डालकर। और लौकी भी हो गई है, ये देखिए लौकी पक गई है और इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है मैंने, और अब इसमें ये पानी इस तरीके से निकाल कर अपने हाथ से निकाल लूँगी इस तरह से दबा कर, और जो रायता बनाया है मतलब दही जो फेंट कर रखा है मैंने उसमें डाल दूँगी। रायते में जो भी डलता है वो सब कुछ डाल दिए, जैसे भुना जीरा डाल दूंगी और काला नमक डाल दूंगी, सफ़ेद नमक डाल दूंगी, और ना इसमें मिर्ची डाल दी है मैंने बारीक काट कर हरी वाली, तो उससे बढ़िया चटपटा सा रायता बनेगा। क्या इसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आई तो मुझे याद आया यार जो मैंने आप लोग को अभी साड़ी दिखाई थी मीशो हॉल की, तो वो साड़ी रखी हुई है, उसका ब्लाउज़ मुझे कट करवाना है, कट करना है खुद से क्योंकि मुझे स्टिच के लिए डालना है। दो साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं जो कि मैं निकालने वाली हूँ, ये देखो ये ब्लैक वाली और ये ग्रीन वाली, और एक पिंक कलर की थी सिल्क की साड़ी वो मम्मी निकाल रही हैं, उनको मम्मी के पास दे दिया है, मम्मी भी बनवा लेंगी स्टिच करवा लेंगी ब्लाउज। और ये कैंची हो गई है, मैं ऐसे काट लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और बस मैं आ गई हूँ किचन से फ्री होकर, तो मैंने सोचा ये जो मैंने मीशो से साड़ी मंगवाई थी इनका ब्लाउज मैं कट कर लेती हूँ, उनके ब्लाउज को स्टिच करवाने हैं मुझे, काफ़ी अच्छी साड़ी है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले लेना, बहुत अच्छी है, इसका मटेरियल ग्रीन वाली का तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसका ब्लाउज तो निकाल दे रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ इसका ब्लाउज जो है रेड कलर का बनवाऊँ कंट्रास्ट में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें प्लेन ब्लाउज बनवाऊँगी ब्लैक कलर का, बॉर्डर दी हुई है साड़ी की तो उससे डिज़ाइन डलवा दूँगी। तो चलो मैं इसको काट लेती हूँ इसके ब्लाउज, और इतने बंदर हैं वो धम मचाए हुए हैं छत पर, काले मुक्के बंदर, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी यहाँ पर देखो फैला भी हुआ है, तो अभी साफ भी कर लूँगी, पहले तो मैं इस ब्लाउज को काट लेती हूँ साड़ी से। चलिए पहले मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद फिर ब्लाउज़ काटूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा फैला होता है सुबह सुबह, तो
गाइज मैंने ब्लाउज भी काट लिया है और अब यहीं पे ही साड़ी भी तुरंत घड़ी करके रख देती हूँ वरना वो ऐसे ही फैली रहेगी। तो ये ब्लाउज भी कट गया है और बस मैं अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अच्छे सच्चे नए ब्लॉग के साथ। और क्या देखना पसंद करेंगे आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोग के लिए वीडियो लाने की। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।